एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर, 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्री, अपने 40 वर्ष की कैरियर में अब तक जिन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, अब भरतनाट्यम के स्टेज शो के साथ राजनीतिक में भी सक्रिय हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ हेमा मालिनी जी की जीवन गाथा, जिसमें फिल्मों में आने की उनकी कहानी आज इस वीडियो में डाल रही हूँ। सो फ्रेंड, मस्ट वॉच फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हेमा जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन पढ़ाई दिल्ली तमिल स्कूल में हुआ था। हेमा की माँ जयलक्ष्मी चक्रवर्ती ने हेमा का कैरियर संभाला था और उन्होंने ही हेमा को तमिल फिल्मों की अभिनेत्री से लेकर सुपरस्टार तक बनने की सारी कामयाबी में वो साथ थी। ले और ले, खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके, खाए जाओ पकड़। वैसे हेमा मालिनी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लेकिन आकर्षण और नयन नस के चलते उनका भरतनाट्यम का डांस भी किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। हेमा मालिनी का फिल्मों का सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 1961 की एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी का काम करने का उन्हें अवसर मिला था। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी और वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा मालिनी ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली है। और आज तू है, कितने बरस हो गए मुझे इस गाँव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक। और फिर उनका रोल बेम निर्दयी निर्मला को दिया गया था। तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर से हेमा मालिनी ने डेब्यू किया था। राज कपूर उस समय फिल्म जगत में क्रांतिकारी स्क्रिप्ट के साथ एक नए दौर का इतिहास रच रहे थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। और वास्तव में बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में आई सीता और गीता ने उनकी सफलता और इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण के वो आयाम रच दिए जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। इसमें हेमा ने डबल रोल किया था और 2 लड़कियों का जो रोल था वो भी अदा किया था। 1975 में उनकी धमाकेदार फिल्म शोले आई, जिसकी बसंती आज भी याद की जाती है, जिसमें एक घोड़ा गाड़ी चलाते हुए इनका रोल प्ले किया गया था। आज भी बसंती के डायलॉग हर किसी के जुबान पर रहते हैं और आज भी लोग अपने बच्चों का नाम बसंती रखते हैं और उसी तरह चंचल स्वभाव के बनने के लिए बेटियों को सिखाते हैं। कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली, यानी कि ये तो बनी मिसाल हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। 1977 में आई ड्रीम गर्ल, जो बेहद ही अलग फिल्म थी। इसी फिल्म के बाद हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल कहा गया और आज भी उनका नाम ड्रीम गर्ल है। हेमा ने कई रोल प्ले किया और फिर बॉलीवुड की होकर रह गई, कभी फिर साउथ की फिल्मों का ध्यान उन्होंने नहीं किया। 2003 में बागवान आई, जिसमें उन्होंने एक माँ का रोल किया था, अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दिया। जब ही ना वहाँ इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभलता। एक बात कहें, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। और जमाने के अनुसार जो भी होता आया वे उस पर पूरा दर्शा रहे हैं। किसी तरह एक माता पिता का क्या वैल्यू होता है, सारी इस फिल्म में दिया गया है। और 2006 में आई बाबुल,
इसमें भी उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। एक सामाजिक संदेश था। इन्होंने दो फिल्मों का प्रोड्यूसर भी किया और एक सीरियल नूपुर में भी काम किया है। मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। हेमा 70 की दशक की एक्ट्रेस रही हैं, जिसमें शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मनोज कुमार सारे एक्टर जो बड़े बड़े एक्टर थे उनके साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। इसमें देवानंद भी थे। बेहतरीन फिल्म उनके साथ बनाई। राजेश खन्ना के साथ तो उन्होंने 10 फिल्में हिट की। धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्में बनाई, जिसमें उनकी 31 फिल्मों में रोमांटिक जोड़ी थी। इनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल, और इनके पति धर्मेंद्र के साथ इनकी जोड़ी आज भी सलामत है। हेमा अब बीजेपी सदस्य हैं और मथुरा की सांसद भी हैं। उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया है। हेमा जी ने अपने नाइट विहार कला केंद्र की स्थापना की है, जिसमें कि वो भारतीय धार्मिक थीम्स जैसे रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों को डांस के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कला सिखाती हैं। इन्हें कई अवार्ड मिले। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण मिला, 1973, 2000 में फिल्म फेयर, 2003 में स्क्रीन अवार्ड, 2003 में ही सीने अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड, एनआर नेशनल अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, सभी फिल्म मिल चुके हैं। तो हेमा मालिनी की भाषा तमिल थी, लेकिन हिंदी सिनेमा का एक रुख किया। इसके बाद उनकी हिंदी सिनेमा में ही पहचान बनी। कैरियर सभी फिल्मों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को हिंदी सिनेमा में ही सलामत रखा और वे एक प्रसिद्ध नर्तकी भी हैं। आज भी हम जीके में पढ़ते हैं कि भरत नाटक में हेमा मालिनी जी का नाम आता है। एक सफल व्यक्तित्व की हमने आज कहानी आपको कही है, जिन्होंने अपने दम पर, अपनी कला के दम पर। बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो, इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बॉलीवुड में अपना पैर जमाया, आज वे एक सशक्त नारी हैं और अपने राजनीतिक दम पर या फिल्मों के द्वारा वो लोगों पर छाई हुई हैं। दोस्तों, आप भी अपने एक काम में लगे रहिए, जिस काम में आपकी रुचि है उस काम को आप करते रहिए और उसी में अपना सफल इंसान होने का सपना बुनते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वॉच फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मस्ट शेयर एंड द लाइक द वीडियो।